नमस्कार, मैं डॉक्टर रस्या दीक्षित बैंगलोर से बात कर रही हूँ। मैं स्किन स्पेशलिस्ट हूँ। औरतों में बाल का झड़ना जो है वो सबसे सीरियस प्रॉब्लम माना जाता है लेडीज़ के लिए, क्योंकि उनके खूबसूरती का राज हमेशा हम कहते हैं कि लंबे बाल हो, घने बाल हो, काले बाल हो, तो उनको ज़्यादा खूबसूरत माना जाता है। तो जब लेडीज़ को हेयर लॉस होते हैं तो उनके लिए वो सीरियस बात लगते हैं और वो डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह लेने के लिए आते हैं। तो जब हम पेशेंट्स को देखते हैं तो पहले हम क्या करते हैं कि क्या कॉजेस हो सकते हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं जिसके वजह से बाल झड़ते हैं। तो इसमें दो टाइप होते हैं, एक तो हम बोलते हैं अक्यूट, माने एक महीना दो महीना से बाल झड़ना, और क्रॉनिक, जिसमें छः महीने से ज़्यादा बाल का झड़ना होते हैं, और इनका दोनों का कॉजेस अलग अलग होते हैं, इनका कारण अलग होता है। अक्यूट हेयर लॉस यूजुअली माने दो महीने से कम वाला हेयर लॉस जो होते हैं वो हम बोलते हैं एक इमीडिएट इफेक्ट से जुड़ा हुआ है, जैसे कि पोस्ट प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के बाद दो महीने के बाद बाल का झड़ना, या कोई भी फीवर, टाइफॉइड, मलेरिया, या बड़ा सा वायरल फीवर, या कोई भी फ्रैक्चर, ऐसा कोई चीज़ होने से उसके बाद दो महीने के बाद बहुत सारा बाल झड़ता है। इसको हम बोलते हैं अक्यूट टिलोजन एफ्लुवियम, माने कोई कारण से जुड़ा हुआ हेयर लॉस। क्रॉनिक हेयर लॉस जो होता है, जो बहुत महीने चलता है, ये होते हैं थायराइड की बीमारी से होते हैं, या पीरियड रेगुलर ना होने से होते हैं, या पीरियड में बहुत सारा ब्लड फ्लो होने से होते हैं, या खाना ठीक से नहीं खाने हमारे से होते हैं। और आजकल आप देखते हो कि बहुत लोग जो हैं बहुत डाइट ट्राई करते हैं कि कीटो डाइट किया या कोई जीएम डाइट हुआ, तो इन सब डाइटों में जो होता है हेयर का थिनिंग हो जाता है, हेयर का लॉस हो जाता है, और वो लॉन्ग टर्म चलता है। क्योंकि ये डाइट करने वाले लोग क्या करते हैं, एक महीना डाइट करते हैं, दूसरा महीना खाते हैं, तीसरा महीना डाइट करते हैं, तो हेयर लॉस भी बहुत महीना या साल चलते हैं। चौथा होता है कि ये कॉज होता है कि लॉट ऑफ हेयर ट्रीटमेंट्स जो करते हैं, केमिकल हेयर ट्रीटमेंट, जैसे कि हेयर कलरिंग सही, हेयर स्ट्रेटनिंग, हेयर स्मूदनिंग, सिस्टीन ट्रीटमेंट, ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जिसमें से बाल झड़ते हैं। तो डॉक्टरों को कैसे पता चलता है कि क्या शक हो सकता है, क्या प्रॉब्लम हो सकता है? दो मेन चीज़ होते हैं। एक तो जब स्कैल्प दिखने लगते हैं, जो रूट्स दिखने लगते हैं, तो हमें शक होता है कि ये ज़रूरत से ज़्यादा हेयर लॉस हो रहा है। हम मानते हैं कि 100 हेयर लॉस तक लेडीज़ के लिए नॉर्मल है प्रतिदिन, लेकिन डेंसिटी जब कम होता है, कि थिकनेस जब कम होता है और स्कैल्प दिखने लगता है, तो वो सीरियस मानते हैं और हम जांच करना चाहते हैं। जांच क्या होता है, यूजुअली हम एक डर्मोस्कोप पकड़ के रूट को एनालाइज करते हैं कि कितना थिनिंग हुआ है और कहाँ पे थिनिंग हुआ है, ऊपर थिनिंग हुआ है, साइड्स में थिनिंग होता है, और इसमें हमें आइडिया आता है कि क्या ये हॉर्मोन का प्रॉब्लम हो सकता है या न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम हो सकता है। और उसके बाद थोड़े से ब्लड टेस्ट करते हैं, इसमें हमें पता चलता है कि विटामिन का कमी होता है क्या, या कोई हार्मोन का प्रॉब्लम होता है क्या। विटामिन स्पेशली वेजिटेरियंस में बहुत सारा विटामिन डी, विटामिन B12 और आयरन की कमी हो जाते हैं, तो इन ये क्यों कम होते हैं, क्योंकि वेजिटेरियन डाइट में ये कम होते हैं, तो उसको टेस्ट करके हम इलाज देने की कोशिश कर सकते हैं। ट्रीटमेंट के तौर पे पहले तो आप ज़्यादातर हेयर ड्राई करना, केमिकल ट्रीटमेंट्स करना बंद करें, ज़्यादा पौष्टिक आहार लें, जैसे कि प्रोटीन वाला डाइट। प्रोटीन क्या होता है, दाल, राजमा, चना, पनीर, कर्ड, मिल्क, ये सब खाने से हमारा बॉडी में जो प्रोटीन है ये बढ़ते हैं। और इसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल जैसे कि पालक, मेथी, ये सब ज़्यादा खाएं, और आलमंड्स जैसे बादाम ज़्यादा खाएं। और ये खाने से क्या होता है, 2-3 महीने के बाद हमारा बॉडी में जो पौष्टिकता है वो इंक्रीज होता है, फिर हेयर ठीक होता है। लॉट पेशेंट हमारे आके बोलते हैं हमने तो दवाई एक महीना खाया, इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। हेयर का ट्रीटमेंट के लिए हमेशा हम वेट करने के लिए बोलते हैं, 2-3 महीने के बाद रिजल्ट आता है। और ऐसे ही हम बोलते हैं कि हेयर का ट्रीटमेंट जब हेयर फॉल शुरू होता है तो जल्द से जल्द डॉक्टर से मुलाकात करें। ज़्यादा वेट करने से क्या होता है, हेयर लॉस होने के बाद वापस लाना और मुश्किल होता है। तो जब हेयर लॉस होता है और आपको लगता है कि 100 से ज़्यादा है, या आपको लगता है मेरा स्कैल्प दिखने लगा है, शाइन होने लगा है, तो इमीडिएटली डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह लें, होम रेमेडीज ना करें। आपको पता करना चाहिए कि अंदर कोई मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं, और उसके बाद ट्रीटमेंट्स करें।